नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के नगर के विलेसा के पूर्वी पटरी के नाला निर्माण में हो रहे विलंब के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। संक्रामक रोग न फैले इसको लेकर मंगलवार को स्वरूप उपाध्याय के नेतृत्व में मोहल्लेवासियों ने DM को संबोधित शिकायत पत्र ADM प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। इस दौरान ADM प्रशासन द्वारा EO को उनके साथ चलकर मौका मुआयना कर समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया गया। विलेसा निवासी स्वरूप उपाध्याय ने बताया कि आजमगढ़ वाराणसी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है, जिसके तहत शहर का सबसे व्यस्तम मोहल्ले विलेसा के पूर्वी पटरी के पुराने नाले को तोड़कर उसकी जगह नया नाला निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में नाला निर्माण विलेसा मंडी चौराहे से पहले रोक दिया गया है, जिसके कारण पानी की निकासी रुक गई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। मैं विलेसा चौराहे का मूल रूप से निवासी हूँ। आज आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या था पूरा मामला? आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आके जिलाधिकारी के नाम से ADM प्रशासन श्री अनिल मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन का मूल बिंदु यह था कि हम लोग विलेसा चौराहे के निवासी हैं। विलेसा चौराहे पे वाराणसी और आजमगढ़ मुख्य राज मार्ग निर्माण हो रहा है, जिसमें पुराना नाला तोड़ दिया गया है, नया नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन वह विलेसा चौराहे से पहले ही रोक दिया गया है, जिससे कि नालियां भर गई हैं गंदे पानी से। नाला बजबजा रहा है, उसमें तमाम कीटाणु पैदा हो रहे हैं और हम लोगों के घरों में, हम लोगों का पुराना घर है उसमें सीलन लग गई है और गंदा पानी नाले का घर में जा रहा है। इसी संबंधित हमने ADM प्रशासन साहब, क्या इस मामले को लेकर के नगरपालिका कभी गए? नगरपालिका के संबंधित लोगों से कई बार मौखिक रूप से कहा गया, वो लोग सिर्फ आश्वासन देते रहे और थोड़ा मोड़ा नाला साफ सफाई करके छोड़ देते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से कोई समाधान नहीं निकाला गया। आज अधिकारी के पास हम ज्ञापन लगे, क्या मतलब मिला आश्वासन आपको? आज हमने ADM प्रशासन साहब को ज्ञापन सौंपा। ADM प्रशासन ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने तुरंत EO नगर पालिका आजमगढ़ को आदेशित किया और स्वतः मौके पर चलकर समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया।